इसराइल और हमास में जारी तीखी जंग के बीच लेबनान का हिजबुल्ला आतंकी संगठन भी लगातार हमले कर रहा है। हमास के लड़ाकों को लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी का भी बखूबी समर्थन मिल रहा है। इजरायली सेना को उत्तरी इजरायली समेत फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों पर भी हवाई हमले से जूझना पड़ रहा है। यही वजह है कि हिजबुल्ला इजरायल के लिए बड़ा खतरा बन गया है। हर गुजरते दिन के साथ हिजबुल्ला IDF पर बमबारी कर रहा है, जिसके चलते इजरायल और हिजबुल्ला के बीच जारी सैन्य झड़प अब चरम पर है। इस बीच हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने कब्जे वाले लेबनानी कफर चौबा पहाड़ियों में रुवेइसत अल आलम के पास इजरायली बलों के काफिले पर घात लगाकर जोरदार हमला किया है। माना जा रहा है कि इस हमले में इजरायली बलों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्ला के हमले के दावे पर कोई बयान नहीं दिया है। फुटेज में हिजबुल्ला लड़ाके गाइडेड मिसाइल से सटीक हमला करते हुए इजरायली सेना के कई वाहनों की निगरानी करते हुए दिखाई गए हैं। दावा है कि जब हिजबुल्ला रुवेइसत अल आलम साइट पर तोप खाने के गोले से बमबारी कर रहा था, तब इजरायली सेना अपने हताहतों की संख्या को जानने के लिए स्मोक स्क्रीन का उपयोग कर रही थी। इस दौरान कई वाहनों ने पीछे हटने की कोशिश की तो फाइटर्स ने सटीक मिसाइल हमला कर तबाही मचाई। प्रतिरोध ने तोप खाने के गोले के साथ कई मिसाइलों से हमला कर इजरायली बलों को नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला लड़ाके एडवांस तकनीक से लैस हथियारों और लंबी दूरी के कैमरों के जरिए इजरायली सैन्य बलों की गतिविधियों की बारीकियों की निगरानी कर रहे हैं, जिससे वे अपने सटीक लक्ष्यों को टारगेट करने वाली एंटी गाइडेड मिसाइलों से लगातार हमला बोल रहे हैं। दावा है कि हालिया हमलों में हिजबुल्ला ने इजरायली बलों पर मॉडर्न तकनीक वाले हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाया है, जिनकी मारक क्षमता एकदम सटीक रहती है। यही वजह है कि इजरायल को इस बार हिजबुल्ला से बड़ी चुनौती मिल रही है। अल मायदीन की खबर के मुताबिक हिजबुल्ला ने इजरायल पर अपने हमलों का डेटा शेयर कर बताया है कि इजरायली सैन्य ठिकानों पर 55 हमले, इजरायली सीमा स्थलों पर 1112 हमले, इजरायली सैन्य ठिकानों पर 70 हमले, इजरायली हवाई वस्तुओं और विमानों पर 51 हमले, इजरायली बस्तियों पर 186 हमले किए गए हैं। इस्लामिक प्रतिरोध ने यह भी खुलासा किया है कि उसने 77 स्नाइपर या ऑटोमेटिक हथियार, 727 जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट और मिसाइल सिस्टम, 352 तोपें, 546 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, 55 ड्रोन हमले, 50 वायु रक्षा प्रणालियां, 17 विस्फोटक उपकरण, 136 सीधे हमले के हथियार दागे हैं।